दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उसको किस तरह से ऐड करते हैं, कब सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये सभी चीजें गाइस इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया है। बट क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि अगर वो वेक्टर पैरेलल एंटी पैरेलल ना हो, किसी और डायरेक्शन में हो, तो कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ लॉ यूज करते हैं, उसमें से गाइस एक लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं जो है ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, और इसके अलावा भी कुछ लॉ पढ़ने वाले हैं जिससे आपको चीजें समझ में आएगी। और गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ, और मेरा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो गाइस, प्लीज जाके वहां उसको भी फॉलो करके अपना सपोर्ट दिखाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। अब मान लो जैसे मैंने बताया कि एक हमारा वेक्टर इधर पड़ा हुआ है और एक वेक्टर इधर है। अब हमें दोनों का फाइनल रिजल्ट फाइंड करना है, मतलब दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब दोनों तो किसी भी डायरेक्शन में, ये तो पैरेलल भी नहीं है एंटी पैरेलल भी नहीं है, तो उस समय ऐसे वेक्टर के लिए हम यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ। बट सर इसके अंदर ट्रायंगल दिख नहीं रहा है, तो रुके रहो ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा एक वेक्टर जिसको हम देते हैं पी बार, और ये हमारा दूसरा वेक्टर, देखो इसका हेड और इसका टेल दोनों अटैच हो जाएगा। ये दूसरा वेक्टर अटैच हो गया। अब गाइस पहले वाले का हेड एंड दूसरे वाले का टेल, ओके, और ये हमें ये दोनों वेक्टर क्या देगा, रिजल्ट देगा। अब देखो ट्रायंगल बन गया और दोनों दोनों वेक्टर को ऐड कर रहा है, और कौन ऐड कर रहा है, ट्रायंगल। इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। बट गाइस ट्रायंगल लॉ के लिए कुछ 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 कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, हमें ये जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं वो वेक्टर की सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए, तभी दोनों ट्रायंगल लॉ से ऐड होंगे, नहीं तो नहीं ऐड होंगे। अब देखो ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का दो साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये थर्ड साइड, ट्रायंगल का थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट में भी क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट दोनों का ऐड करके। मतलब ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट। समझ, रिजल्टेंट मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन एडिशन ये दिखाएगा। तो इसके थ्रू, एक ट्रायंगल के थ्रू ये चीजें हम फाइंड करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो यहां, इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर, दो वेक्टर यहां बना के बताता हूं, टू वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बोला ये फोर्स है तो ये भी फोर्स चाहिए। आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये देखो ये ट्रायंगल बन गया ना, तो टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके बाद देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट में भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट किसका, ये दोनों का। समझ में, और गाइस ये रिजल्टेंट किस तरह से इसके साथ कनेक्टेड होता है, याद है देखो लिखा हुआ है, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ड्रोन इन द अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस मतलब क्या होता है, देखो पहले वाले वेक्टर का हेड एंड दूसरे, ये जो दूसरा वेक्टर उसका टेल, इसको ही बोला जाता है अपोजिट सेंस। तो गाइस क्लियरली यहां देख लो, टू वेक्टर डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, टू वेक्टर, ये दोनों वेक्टर, टू वेक्टर डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय, ये देखो दो साइड, टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब थर्ड साइड मतलब ये वाला, ये वाला, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय, ये पहला साइड, दूसरा साइड, ये तीसरा, बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल एंड ड्रोन इन अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस मतलब इसका हेड और ये पहले वाले का हेड एंड दूसरे वाले का टेल, इसके साथ इस रिजल्टेंट को क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो भाई ये बन जाता है हमारा ट्राइंगल। इतना सही गाइज हमें लिखना है, किसके लिए लिखना है, ट्राइंगल लॉ के लिए। और मैंने इसके अंदर एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन की, कैसे ड्रॉ होता है, क्या होता है, सभी चीजें बताई। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल लॉ। अब गाइज कुछ देखते, कुछ लॉ, कॉमिटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ये इसको किस तरह से प्रूफ करने के लिए एग्जाम में कभी कभार आता है, तो हम इसको प्रूफ कर देते हैं। जैसे चलो पहले ये बता देता हूं, 3 + 2 = 2 + 3, 3 + 2 का भी आंसर वही होगा, 2 + 3 का भी आंसर वही होगा, और यही हमारा एक तरह से कॉमिटेटिव लॉ है। कॉमिटेटिव लॉ को अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं किस तरह से प्रूफ करूंगा, देखो यहां ये पहला वाला ट्राइंगल और ये दूसरा वाला ट्राइंगल, ओके, पहला वाला ट्राइंगल और दूसरा,
क्योंकि हम ट्राइंगल लॉ की ही बात कर रहे हैं। तो पहला वाला ट्राइंगल, अब पहले वाले ट्राइंगल में क्या है, पी बार, ये देखो पी बार एंड क्यू बार, पहला साइड एंड दूसरा साइड, पी बार प्लस क्यू बार, क्या दे रहा है, क्या दे रहा है रिजल्ट, आर बार। क्लियर? हमें कॉम्पिटिटिव लॉ क्या करना है, प्रूफ करना है। अब गाइस दूसरा दूसरा वाला ट्राइंगल, ये वाला, अब इसके अंदर गाइस ध्यान देना, हम क्यू बार प्लस पी बार, और ये भी क्या देने वाला है, ये भी रिजल्ट क्या देने वाला है, आर बार। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, देखो अगर गाइस राइट हैंड साइड सेम है, ये भी रिजल्ट है ये भी रिजल्ट, राइट हैंड साइड, तो सिंपल सा बात है कि लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी बार प्लस क्यू बार इक्वल क्यू बार प्लस पी बार, और इसी को मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, वो मेरे लिए क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में गाइस क्या है, कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। हाँ, ये आपको दिमाग में फिट करना है, इनके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाए काम खत्म। अब इसके अंदर गाइस इसको अगर ध्यान से देखते हो, इसको समझो समझो अच्छे से, इसके अंदर भी गाइस टोटल मिला के हमें दो ट्राइंगल हमें बनाना है, दो ट्राइंगल हमें समझ में आ रहा है। पहला ट्राइंगल अगर मैं हाँ कलर से ड्रॉ करूँ तो ये देखो, ये पहला ट्राइंगल, देखो एक साइड ये है एक साइड ये है, और दोनों का रिजल्ट ये दे रहा है, देखो क्लियर। अब एक और मैं ट्राइंगल अगर बनाऊँ आप सभी को दिखाना चाहूँ तो ये देखो, मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करूंगा, पर दोनों का ये देखो, बी बार प्लस सी बार एंड ए बार, ये पहला साइड एंड ये दूसरा साइड, दूसरे ट्राइंगल का ये पहला साइड एंड ये दूसरा साइड, और ये दोनों का रिजल्ट कौन दे रहा है, यही वाला साइड, सेम साइड, समझो। ये बेस मतलब दोनों ट्राइंगल का जो रिजल्ट है वो क्या है, सेम है और सेम बेस है। तो मुझे इसको प्रूफ करके देना है बाय एसोसिएटिव लॉ, इसको प्रूफ करना है, इस लॉ को प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करता हूँ, ध्यान दो। तो क्लियरली समझा, देखो एक ये है जो मैंने येलो कलर का बनाया था, ए बार प्लस पी बार प्लस सी बार, पहला साइड दूसरा साइड, उसका रिजल्ट ये। दूसरा वाला क्या है, बी बार प्लस सी बार एक साइड एंड दूसरा साइड ए बार, और ये दोनों का रिजल्ट कौन दे रहा है, सेम आर बार। तो मुझे इसको प्रूफ करना है, तो चलो हम इसको भी प्रूफ कर देते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल के यहाँ ऐसा नाम लिख देता हूँ, इससे आपको समझेगा पहला, और उस पर कलर भी ड्रॉ कर देते हैं तो आपको ध्यान से अच्छे से समझेगा। ये देखो, अब देखो मैं लिखता हूँ ए बार प्लस बी बार प्लस, ये पहला साइड, दूसरा साइड कौन सा है, सी बार। ओके, पहला साइड दूसरा साइड, ट्राइंगल ऑफ एक्टर एडिशन, इसका रिजल्ट ये दे रहा है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, आर बार। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। ये देखो ए बार प्लस बी बार एक साइड एंड ये दूसरा साइड, और ये दोनों का रिजल्ट कौन दे रहा है, ये दे रहा है, क्लियर। अब गाइस मैं इसको क्लीन कर दूंगा जिससे मैं दूसरा बनाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये देखो दूसरा ट्राइंगल, अब बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार इक्वल टू बी बार प्लस सी बार ए बार, और ये दोनों दोनों एक ट्राइंगल बन गया ना, ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया, और ये दोनों ट्राइंगल का रिजल्ट कौन दे रहा, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब यही आर बार। हो गया, देखो भाई दोनों को प्रूफ कर देते हैं, अगर राइट हैंड साइड सेम है तो सिंपल से बात है लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार, लेट्स गिव्स ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ओके, कहने का मतलब देखो दोनों का रिजल्ट अगर सेम, दोनों का रिजल्ट सेम ही आ रहा है ना, तो सिंपल सी बात है पहला ट्राइंगल एंड दूसरा ट्राइंगल दोनों का ऐड ही होगा ना, दोनों सेम ही आने वाला है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या सेम है, दोनों को ऐड करने के बाद सेम ही आंसर आ रहा है, सेम रिजल्ट मतलब आंसर सेम आ रहा है, इसलिए देखो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये हमने प्रूफ कर दिया, कैसे प्रूफ किया गाइस, बाय
एसोसिएटिव लॉ, तो दोनों लॉ मैंने प्रूफ करके दे दिया है, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है और इसीलिए बहुत बहुत सारे जगह ये स्किप किया जाता है, पर मैंने आपके लिए टॉपिक स्किप नहीं किया। तो भाई इस वीडियो के अंदर हमने देखा, हाँ इसके बाद वाला जो पैराग्राम लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर एक छोटा सा नहीं लंबा सा डेरिवेशन है जो आप सभी को आना चाहिए गाइस। तो आज हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, कम्युनिटी लॉ देखा, एसोसिएटिव लॉ देखा, इसको आज ही खत्म करो, आज के आज खत्म करके पूरा कंप्लीट करके अपना एडिशन खत्म कर दो, क्योंकि जैसे आप 11th में कॉलेज में जाओगे आपको सब आता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।